सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन और बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को कि बेसबॉल का बाजा बजा दिया। लेकिन जिमी एंडरसन ने कहा था, जिमी एंडरसन है या बागा हुआ सन है, 50-60 ओवर में ये मैच जीत के निकल जाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हिंदुस्तान की टीम ने ऐसा बजाया बाजा इंग्लैंड का कि वो ये कभी भूलेंगे नहीं। ओवरऑल बहुत बड़ी ये फतह है भारत की, क्योंकि एक तो मैच हारा हुआ था, उसके बाद वापस आना था घर में, मैच जीतना था कन्विंसिंगली। इतनी जल्दी टर्न अराउंड चीजें करने में बड़ा वक्त लगता है, मगर हिम्मत के साथ खेले। आज जो नोटिफिकेशन इंग्लैंड को मिला है वो बड़ा जबरदस्त मिला। कल एक आदमी थे जेम्स एंडरसन, जिनकी 41 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, वो फरमा रहे थे कि हम जो है वो 60 ओवर में रन चेस कर देंगे। अच्छा, उन्होंने खेले तकरीबन 70 ओवर और रन भी चेस नहीं हुआ हमसे, 106 रन वो दूर भी रह गए। कल बड़ी बातें हो रही थी जी कि हम 55 से 60 ओवर खेलेंगे और चेस कर लेंगे। सही है, एक माइंड गेम खेला जाता है, चाहे वो एंडरसन हो चाहे करोली हो, ये बदतमीजी से खेलते हैं। जिसको आप लोगों ने नाम दिया ना बेसबॉल, ये बदतमीजी वाली क्रिकेट खेलते ना। जेम्स एंडरसन ने सही कहा था यार, 60-70 ओवर में जो है मैच कन्वर्ट आ जाएगा और 60-70 ओवर में जो है इंग्लैंड चेस करेगी, ज्यादा ओवर की लगाएगी, क्योंकि 70 ओवर ही तकरीबन जो है 60-70 ओवर में ही जो है इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स आज खत्म हुई। इंग्लैंड का बचना बड़ा मुश्किल है सीरीज में। देखिए, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि इनको आगे भी मार पड़ेगी, कितनी मार पड़ेगी ये मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं, मगर इनके चांसेस बहुत ही मध्यम हो गए हैं, क्योंकि अब भारत जो है फॉर्म में है और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफिकेशन है। और स्पेशली ये मैच तो जीतना ही था, लेकिन जीतना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब जब सामने टीम लंबी पसकी मारेगी उस टीम का घमंड तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये इंग्लैंड की आदत है कि वो हमेशा मैच से पहले बड़ी पुस्की मारते हैं, मैच के बाद बहाने करते हैं। अब पता नहीं कि ये कौन सा बहाना बनाएंगे, बहाना तो कोई भी नहीं बनता इनका कि ये बहाना बनाएंगे, लेकिन सुझाई मस्त है हिंदुस्तान ने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। इंग्लैंड को कोई अगर भारत से हराए तो वो खुद इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड जो घमंड किया था वो घमंड का नतीजा इंग्लैंड को भुगतना पड़ा। जो जेम्स एंडरसन 40 साल का बुढ़ा, उसने कहा था कि भाई हमारे पास बहुत सारे रन है बनाने के लिए, मतलब 332 रन चाहिए थे कल जीतने के लिए, लेकिन हम ये 5 या 60 ओवर में हम ये पूरा कर लेंगे। मतलब तेरी इतनी घमंड, तू साले बुढ़े, कुछ 2-4 विकेट तू ले गया, तू समझ लिया कि भाई तुम भारत को सीरीज हरा दोगे। और उसके कुछ नाजायज बच्चे पाकिस्तानी, वो भी कल ट्विटर पे आके मतलब बकवास बक रहे थे कि देखिए हमारा नाजायज बाप एंडरसन ने बोल दिया कल भारत को हरा देंगे, लेकिन आराम से भारत ने फेल के रख दिया है इंग्लैंड को। इसके बाद दोनों तरफ से रोना धोना आ रहा है, एक तो इंग्लैंड से एक तो पाकिस्तान से, लेकिन अफगानों ने जम के धोया है इंग्लैंड की टीम को। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन और बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को कि बेसबॉल का बाजा बजा दिया। लेकिन जिमी एंडरसन ने कहा था, जिमी एंडरसन है या बागा हुआ सन है, पता नहीं कौन सा सन है भाई, उसने एक बात कही थी कि ये मैच तो ये चुटकी बजाई और ये मैच जीत गए। देखिए, बड़े बुजुर्गों से एक बात हमने सुनी है और अब भी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कभी बड़ी बोल इंसान को नहीं बोलनी चाहिए, और यही बड़ी बोल जो है यही गलती हो गई बागे हुए सन से। जिमी एंडरसन है, एंडरसन है, पता नहीं अंडरग्राउंड है, जो भी है, उसने ये बात कही कि 50-60 ओवर में ये मैच जीत के निकल जाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। उस बात को ज्यादा बढ़ावा और चढ़ावा दिया हमारे बेवकूफ बुकलंडी वाले पड़ोसियों ने। आप जाके देखिए, ज्यादातर रीट्वीट करने वाले लोग सारे हमारे पड़ोसी हैं, जबूरा गंबूरा बपूरा पकोड़ा मकोड़ा, सारे यही जो है पड़ोसी के लोग हैं, जाहिल अंपड़ बुकलंडी वाले। उन्होंने उनको इतना बढ़ावा और चढ़ावा दिया, वो बात उसने कही और उन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उनको रीट्वीट करना स्टार्ट कर दिया और दम दमा दम दम भाई। लेकिन उनको पता नहीं था कि हिंदुस्तान की टीम जब जब हारती है बहुत बुरा कमबैक करती है। तो हिंदुस्तान की टीम ने ऐसा बजाया बाजा इंग्लैंड का कि वो ये कभी भूलेंगे नहीं। एक तो देखे, दो तरफ से जो है वो उनकी बेइज्जती हुई। सबसे पहले तो हार हुई है, हार तो होनी ही थी। दूसरी बात, जो लंबी पुस्की मारी थी वो पुस्की भी जो है उल्टा लेनी पड़ी भाई। अब साथ में पड़ोसियों की जो जल रही है उनकी क्यों जल रही है। देखे, पहले तो वो ये खुश हो रहे थे कि चलो हिंदुस्तान पहला टेस्ट मैच हार गया, लेकिन जब दूसरा जीतने लगा वहां जेम बॉन्ड गोज ने जो है वो एक बात बोल दी कि ये मैच तो हम 50-60 ओवर में जीत जाएंगे और ये बस आधे दिन का काम है और ये उल्टे हाथ का काम है और ये कर देंगे, वो पुस्की मार के इधर लगा देंगे, उधर छक्का, यहां से छक्का, वो सारे पानी, सारे उनके प्लानिंग पे पानी फेर दिया बुमराह ने। इंग्लैंड की तो सूझ गई, वो गपूरे मपूरे जाबीर जाबर गपूर वो भी सब गायब हो गए जो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और उसको बढ़ावा दे रहे थे और उसको रीट्वीट कर रहे थे। देखे, यहां पर जब जब थोड़ा सा मैं परेशान होता हूं, अफगानिस्तान जो है वो सेकंड टेस्ट मैच हार गया है श्रीलंका से, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान इंग्लैंड से जीत गया तो वो गम जो है इस खुशी में मिलके जो है गम भूल गए भाई। और स्पेशली ये मैच तो जीतना ही था, लेकिन जीतना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब जब सामने टीम लंबी पसकी मारेगी उस टीम का घमंड तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये इंग्लैंड की आदत है
कि वो हमेशा मैच से पहले बड़ी पुस्की मारते हैं, मैच के बाद बहाने करते हैं। अब पता नहीं कि ये कौन सा बहाना बनाएंगे, बहाना तो कोई भी नहीं बनता क्योंकि ये बहाना बनाएंगे, लेकिन सुझाई मस्त है हिंदुस्तान ने। आज जो नोटिफिकेशन इंग्लैंड को मिला है वो बड़ा जबरदस्त मिला। कल एक आदमी थे जेम्स एंडरसन जिनकी 41 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, वो फरमा रहे थे कि हम जो है वो 60 ओवर में रन चेस कर देंगे। अच्छा, उन्होंने खेले तकरीबन 70 ओवर और रन भी चेस नहीं हुआ उनसे, 106 रन वो दूर भी रह गए, क्योंकि एक ऐसी विकेट कि जो ना बहुत ज्यादा स्पिनर फ्रेंडली थी ना बहुत ज्यादा पेसर फ्रेंडली थी। उधर खड़े होकर जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेटें ले ली पूरे मैच में, 6 पहली इनिंग में। अगर सच पूछे तो इस मैच में जायसवाल का डबल टर्न और उसके बाद जसप्रीत बुमराह की 6 विकेटें, इसने मैच इंडिया की तरफ कर दिया था। तो कल बेन डकेट तो आउट हुए थे, अब आज अश्विन का इंतखाब किया हुआ था पिटाई करने के लिए, किसने, जो रूट ने, ओली पोप ने, लेकिन अश्विन 2 सबसे बड़ी विकेटें जो जहां से मैच इंग्लैंड जीत सकता था वो दोनों विकेटें अश्विन ले गया। उसके अलावा जेन्युइन मैच विनर से बैरिस्टो बचता है, बैरिस्टो को बुमराह खा गया, क्योंकि बुमराह ही वो आदमी है जो किसी सैड बल्लेबाज को किसी भी पिच पे दुनिया की आउट कर सकता है। पर जायसवाल की डबल सेंचुरी और दूसरी इनिंग में शुभमन गिल की सेंचुरी, इसने इंग्लैंड को इस मैच से दूर कर दिया था। 399 किसी के भी खिलाफ आप चौथी इनिंग में चेस कर रहे हो आसान नहीं हो। तो यही वो चीजें, बहरहाल ऑल इन ऑल विराट कोहली के आने से पहले इस सीरीज को लेवल कर देना। अब ये 5 मैचों की सीरीज इंडिया की झोली में तकरीबन गिरती हुई नजर आती है। इस मैच में यार मुझे एक बात बताओ, अकेला बुमराह 15 विकेटें ले रहा है 4 इनिंग में, जबकि आपकी 4 इनिंग में आपके 4 स्पिनर 23 विकेटें ले रहे हैं, लालच नहीं है ये बताओ यार। बिल्कुल, एक बुमराह 15 सारे स्पिनर मिलकर 23 विकेटें। व्हाइट बॉल क्रिकेट को रेड बॉल क्रिकेट ने हरा दिया। कल बड़ी बातें हो रही थी जी कि हम 55 से 60 ओवर खेलेंगे और चेस कर लेंगे। सही है, एक माइंड गेम खेला जाता है, चाहे वो एंडरसन हो चाहे करोली हो, ये बदतमीजी से खेलते हैं, जिसको आप लोगों ने नाम दिया ना बेसबॉल, ये बदतमीजी वाली क्रिकेट खेलते ना। और जुमला आज सोशल मीडिया भरा हुआ है कि ये आउट नहीं था जैक करोली। अबे आउट नहीं था तो क्या कर लेता, पौका कर लेता क्या? देखा 106 रन से आ रहे। ये बात कोई नहीं कह रहा कि जो रूट का जो शॉट था वो बहुत ही बैड शॉट था, वो बुमराह क्या इंतजार नहीं करना चाह रहा था कि मैं बुमराह को फेस ना करूं, मैं उससे पहले ही 40-50 रन कर लूं। यार अगर आप दुनिया के टॉप क्लास बैट्समैन हैं तो आपको सेट तो होना पड़ेगा। क्या 1 से लेकर 11 नंबर तक सब बदतमीज क्रिकेट खेलेंगे क्या? टेस्ट क्रिकेट को इज्जत ही नहीं दे रहे, वो पांव पे पांव रख के इस तरह बैठा होता है। यार क्या हुआ आखिरी सेशन में लंच के बाद, अपना टॉम हार्टली और फोर्थ की पार्टनरशिप हुई ना, वरना तो ये 240 भी नहीं होते। बूम बूम बुमराह, पहले इनिंग्स में 6, दूसरी इनिंग्स में 3, लेकिन उसने अपना रॉप डाला हुआ था, दबदबा जिसको बोलते ना, उसके ऊपर तो कोई बेसबॉल की ट्राई नहीं कर रहा था। तो जी ये था, बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया 1-1 बराबर। अब ये बॉल जो है ना, बोलते ना, अब जो ये बॉल है ना इंग्लैंड के कोर्ट में है। जेम्स एंडरसन ने सही कहा था यार, 60-70 ओवर में जो है मैच कंप्लीट आ जाएगा और 60-70 ओवर में जो है इंग्लैंड चेस करेगी, ज्यादा ओवर की लगाएगी, क्योंकि 70 ओवर ही तकरीबन जो है 60-70 ओवर में ही जो है इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स आज खत्म हुई थी। अब डन एंड डस्टेड हो गया ये, कल ही मैच डन एंड डस्टेड हो गया था, क्योंकि जितनी भी टीम अच्छी हो और जितनी भी आपकी एग्रेसिव अप्रोच हो जैसे इंग्लैंड की है और जो उनका जो एक उनको ये फ्रेज पॉइंट किया गया है बेस्ट बॉल का, मतलब वो अपनी जगह ठीक, लेकिन द सॉर्ट ऑफ कंडीशंस दैट यू फेसिंग इन इंडिया इवेंचुअली दे फेल। उसकी वजह यह कि जब इतना लंबा टोटल आप चेस कर रहे हो ना तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जैसे जैसे विकेट गिरती है आप पे प्रेशर आता रहता है। तो जितनी भी अच्छी आप बैटिंग करें यू नीड अ लॉट ऑफ लक यार टू लाइक यू नो एक्सपेक्ट कि आपकी 2 बैट्समैन 399 चेस करते हुए एक फ्लॉरिस किस्म के मतलब लंबी इनिंग्स खेल जाए 80-90 की 100 की, वो बड़ा मुश्किल होता है। एंड द इंडियन बॉलर आई थॉट द बोल्ड वेरी वेल, बट बुमराह वाज ऑसम एज यूजुअल, 3 विकेट्स। आई डोंट नो यार हाउ ही फाइंड्स वेज टू गेट विकेट्स ऑन इवन सच पिचेस वेयर जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पेसर्स को इतनी हेल्प मिलेगी। आई मीन टू टेक 9 विकेट्स from India in the match is an outstanding show. I mean, जहां पर आप एक सीरीज को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हर पिच जो है हर सेंटर पे स्पिन पिच होगी और पेसर्स का रोल नहीं होगा, वहां पर एक बंदे ने जो है ऑलरेडी आई थिंक he's taken 15 विकेट्स if I'm not mistaken, first test also he took a couple of wickets. तो मतलब I mean 9 विकेट्स in a match is great. तो he took 3 विकेट, then Ashwin took 3 विकेट। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अफगान भाई ने जमकर पिलाया इंग्लैंड टीम को, और करना भी चाहिए, कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने भी इंग्लैंड को उसकी असली औकात याद दिलाई है, और मतलब ऐसा होना ही चाहिए। इंग्लैंड को आप जितने भी बेइज्जत कर सको करो, क्योंकि ये साले जब हारते हैं ये ऐसे मतलब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि भाई इंडिया ऐसा कर दिया, इंडिया वैसा कर दिया। बिल्कुल पाकिस्तान का मतलब कह सकते हैं कि एक मतलब हमसकल भाई है, जब भी हार जाते हैं कुछ ना कुछ मतलब बोलते हैं ये कर दिया, लेकिन जब जीत जाते हैं इनका अकड़ 7वें आसमान पर छूता है। मतलब जैसे कि कल देख लीजिए जेम्स एंडरसन, वो बोला कि भाई ट्वीट किया कि हम तो 5-60 ओवर में ये मतलब मैच जीत जाएंगे, लेकिन खुद 60 ओवर में निपट गए।
मतलब इतनी क्यों बोलते हो, जब तुम्हारी औकात ही क्यों नहीं है 60-70 ओवर खेलने के लिए, तो क्यों बोलते हो भाई? इंडिया अपनी मतलब अपने पे नहीं आया था फर्स्ट मतलब मैच में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर मैच जीत जाओगे। और पहली मैच अगर तुम जीते हो वो ओली पॉपी एक बिल्ली अंसपारी के लिए, ना कि तुम्हारी कोई मतलब टीम गेम तुम खेल के जीत गए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, तुमको ओली पॉपी ने जीता दिया। लेकिन तुम ऐसा बोल रहे हो कि भाई हम मतलब सीरीज हरा देंगे भारत को, कोई मतलब कोई खालाजी का बड़ा है क्या, तुम आओगे और हमें सीरीज हरा दोगे? बिल्कुल नहीं, भारत मतलब सीरीज जीतेगा, और जैसा आज सेकंड मतलब मैच में जो टेस्ट मैच में हरा है इंग्लैंड को, ऐसा ही अब सिलसिला शुरू होगा। अब तो अबू जी आ रहे हैं, विराट कोहली आ रहे हैं, अब उनका पहनना मतलब बाकी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सके। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।